सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। मछुआरों को लाने के प्रयास जारी, सांसद के लिखे पत्र पर जयशंकर ने दिया आश्वासन। पाकिस्तान ने भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान की जानकारी के लिए किया गुजराती मछुआरों के मिस कार्ड का इस्तेमाल। प्रियंका गांधी से 2 करोड़ की पेंटिंग खरीदने को किया गया था मजबूर, ईडी की चार्जशीट में राणा कपूर का दावा। महाराष्ट्र के लातूर के पास क्रूज ट्रक में भीषण टक्कर, 8 लोगों की मौत, 11 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। मन की बात में बोले पीएम मोदी, टेक्नोलॉजी ने बदली जिंदगी, गांव छोटे शहरों के लोग कर रहे डिजिटल पेमेंट। ₹143 चीजों के बढ़ सकते हैं दाम, रणदीप सुरजेवाला बोले बीजेपी है तो यही मुमकिन है। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जा रहे हैं जम्मू कश्मीर, देंगे 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का गिफ्ट। महाराष्ट्र में सियासी घमासान दूसरे दिन भी जारी, अब तक पुलिस ने दर्ज की 5 FIR। किरीट सुमैया पर हमले के बाद बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, ऐसा फिर हुआ तो जवाब देंगे, हमारे कार्यकर्ता नहीं रहेंगे चुप। मुंबई में राणा कपूर और वधावन भाइयों ने किया 5,050 करोड़ रुपए का घपला, दूसरे पूरक आरोप पत्र में ईडी ने दी जानकारी। मौसम में अगले 4 दिनों में दिखेगा बड़ा बदलाव, दिल्ली सहित कई राज्यों में आज से बढ़ेगा तापमान। यूजीसी के छात्रों को विदेश में शैक्षणिक संस्थान का चयन सावधानी से करने की दी सलाह, यूक्रेन से वापस आए छात्रों का किया जिक्र। जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपियों पर कसा मनी लॉन्ड्रिंग का शिकंजा, ईडी ने दर्ज किया केस, अवैध संपत्तियों पर जब्त कर सकती है एजेंसी। सामना में शिवसेना का हल्ला बोल, कहा लाउडस्पीकर हनुमान चालीसा विवाद देश को डुबाने की साजिश। सर्बानंद सोनेवाल के घर बिहू कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी, बजाया ढोल। अलीगढ़ में गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 140 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। अलीगढ़ में बेटा बना बाप का कातिल, जमीन विवाद को लेकर की हत्या। गाजीपुर में आगामी त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट, जनता से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील। गाजियाबाद में मोमबत्ती जलाकर उठाई न्याय की मांग, पार्क में मिला था मासूम का शव।
गाजियाबाद में आगामी त्यौहार से पहले प्रशासन अलर्ट, एसएसपी जनपद के अधिकारियों के साथ की बैठक। मऊ में चूल्हे पर खाना बनाते समय लगी आग, 8 साल का बच्चा बना हादसे का शिकार। मऊ में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन, गिरफ्तारी के समय पर दिए कड़े निर्देश। रायबरेली में हर्ष फायरिंग का विरोध, पड़ा भारी, युवकों ने पूर्व सैनिक को किया घायल। लखीमपुर खीरी में अवैध असलाह फैक्ट्री का खुलासा, पुलिस ने किया 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार। देवरिया में जेल में पढ़ाया गया गायत्री मंत्र का पाठ, कैदियों की मन की शांति के लिए सरकार का फैसला। संभल में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, मृतका के परिजनों का ससुराल पक्ष पर आरोप। संभल में रफ्तार ने बरपाया कहर, अज्ञात वाहनों ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। संभल में नगर पालिका बोर्ड की बैठक में हंगामा, सभासदों ने किया बैठक का बहिष्कार। संभल में थाना समाधान दिवस की शुरुआत, अधिकारियों ने सुनी लोगों की समस्याएं, समाधान के लिए निर्देश। संभल में स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षा बैठक, 100% टीकाकरण के निर्देश। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर जालौन में सीएम योगी आदित्यनाथ, 30 ग्राम पंचायतों का करेंगे सम्मान। कौशाम्बी में बड़ा हादसा, ट्रैक्टर से कुचलकर 3 नाबालिगों की मौत, एक ही बाइक पर सवार थे। अमरोहा की जुबलेंट कंपनी को प्रदूषण विभाग का नोटिस, जहरीली गैस फैलने से 4 लोगों की बिगड़ी थी तबीयत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, संयुक्त परिवार की परंपरा, भारत की पूंजी, शिक्षण संस्थान, शासन की योजनाओं के प्रति न रखे वैराग्य भाव। संकट मोचन संगीत समारोह में हनुमत दरबार में आस्था के गूंज रहे स्वर, सुर लय ताल से हो रही साधना। ब्रज में रोहिंग्या परिवारों पर बढ़ाई खुफिया एजेंसियों की निगरानी, मथुरा में 2 दर्जन मिल चुके हैं परिवार। बच्चों का अनुप्रशासन और 682 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण, प्रधानों का करेंगे सम्मान। अयोध्या में राम मंदिर के साथ विराट रामायण मंदिर भी होगा भव्यतम का पर्यात, जीवंत तो होगा त्रयात। लखनऊ में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बोले, बांटना नहीं सिखाती भारतीय संस्कृति।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले कॉमन सिविल कोड पर विचार कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, यह बहुत जरूरी। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को हिंदू नामों से कई पहचान दिलाने वाले संदिग्धों की इस एटीएस को तलाश, पश्चिम बंगाल का है सिंडिकेट। चौबीस घंटे में सामने आए कोरोना के 226 नए केस, एनसीआर और लखनऊ के स्कूलों में मास्क अनिवार्य। सीएम योगी का भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन, बेतवा नहर परियोजना, झांसी में तैनात इंजीनियर बर्खास्त, वसूले जाएंगे 77 लाख। हजार पदों पर दरोगा भर्ती के लिए शारीरिक मानक परीक्षा, दो चरणों में अभिलेखों की जांच। देहरादून में अलग अलग हादसों में दो लोगों की मौत, एक घायल का महंत इंद्रेश में चल रहा इलाज। हर दिन से नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, दून में 9 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल। सीएम पुष्कर सिंह धामी की दूसरी पारी का एक महीना बीता, इस दौरान देहरादून में किए गए 4 बड़े ऐलान। हेमकुंड मार्ग पर 1 किलोमीटर लंबा हिमखंड, ले रहा सेना की परीक्षा, रास्ता बना रहे 50 जवान। मैदानी क्षेत्रों में फिर बढ़ चढ़ा पारा, सोमवार को पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम बदलने की संभावना। उत्तराखंड में हाईकमान ने जताया भरोसा, अब गढ़वाल में असंतोष दूर करने को फॉर्मूला सुझाएंगे करण माहरा। जिला स्तर पर संगठन का पुनर्गठन करने जा रही भाजपा, उत्तराखंड में 23 हो सकती है जिला इकाइयां। संतोष ने सीएम धामी और उनके कैबिनेट को दी हिदायत, प्रदर्शन पर होगा मूल्यांकन। महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी भंग, राष्ट्रीय महासचिव परविंदर कौर ने जारी किया पत्र। उत्तराखंड में तपिश मिटाने के लिए कैंपटी फॉल में उमड़े पर्यटक, प्राकृतिक सुंदरता का भी उठाया लुफ्त, आमद बढ़ने से खिले व्यापारियों के चेहरे। हरिद्वार में गुजरात के श्रद्धालुओं की बस पलटी, महिला और युवक की मौत, 12 लोग हुए घायल। निजी स्कूलों की महंगी पढ़ाई, अभिभावकों की जेब पर पड़ रही भारी, साल 10 से 25% तक बढ़ी फीस। चारधाम यात्रा मार्ग पर पर्यटकों को मिलेगी नई असुविधाएं, डंपिंग जोन में बनेंगे यात्री सुविधा केंद्र। एसटीएफ का शिकंजा, भू माफिया यशपाल तोमर के बाद अब उसके साथी धीरज की संपत्ति भी कुर्क। ऋषिकेश एम्स में करोड़ों की गड़बड़ी, करनाल में मेडिकल संचालक के घर सीबीआई का छापा। डब्ल्यूएचओ ने कहा यूरोप समेत अमेरिकी देशों में सामने आया ज्ञात मूल के लगभग 170 हेपेटाइटिस सामने।
भारत ने पड़ोसियों को किया आगाह, जंग को उतावले हुए तो होगी हाइब्रिड वॉर। पाकिस्तानी मीडिया पर भड़क उठे पूर्व सीएम इमरान खान, फराह खान से जुड़ा सवाल पूछने से हुए खफा। शहबाज शरीफ ने के बलूचिस्तान से किए नए वादों पर पाक मीडिया और विशेषज्ञ भी हुए हैरान। नाइजीरिया की अवैध तेल रिफाइनरी में धमाका, 100 से अधिक लोगों की मौत। अयोध्या में राम मंदिर के साथ विराट रामायण मंदिर भी होगा भव्यतम का पर्याय, जीवन तो होगा त्रेता युग। क्वाड को चीन के खिलाफ मानते हैं शी जिनपिंग, बाइडेन से की थी शिकायत, अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या खुलासा। अफगानिस्तान के आतंकवादियों ने दिया पाकिस्तानी सैन्य चौकी पर हमला, 3 सैनिकों की मौत। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में प्रांत पुलिस थाने पर ग्रेनेड से हमला, 2 पुलिसकर्मी हुए घायल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर डोनाल्ड ट्रंप का हमला, का हमारा देश नरक की ओर जा रहा है। शेयर बाजार में अस्थिरता के दौरान निवेशक के मंत्रों पर रखे ध्यान, हो सकता है ज्यादा मुनाफा। एचडीएफसी बैंक ने नई दिल्ली में किया शेयर धारकों को 1,550% लाभांश देने का ऐलान, यह निर्णय वार्षिक अहम बैठक में शेयर धारकों को मंजूरी के अधीन है। निवेश सुरक्षित रखने के लिए फंड डाइवर्सिफिकेशन, एसेट एलोकेशन, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग जरूरी। हजार करोड़ के एलआईसी आईपीओ की होगी घोषणा, 3.5% होगा विनिवेश, रिटेल के लिए आरक्षण और डिस्काउंट जैसी तमाम चीजों का घोषणा जल्द होगी। पेंशन फंड की ओर तेजी से बढ़ रहा लोगों का रुझान, एनपीए और एपीवाई की संख्या में 5 साल से 236% का इजाफा। फैमिली पेंशन के बदले नियम मिलेगा ज्यादा पैसा, सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन 1972 के तय किया गया ये नया बदला। सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, का निर्माण कंपनी की नहीं चलेगी मनमानी, देनी होगी भरपाई। तीसरी लहर के बाद कॉमर्शियल रियलिटी सेक्टर में आई नई जान, नए ऑफिस स्पेस की भी मांग उभर आकर आई सामने। कोयले के परिवहन में रिकॉर्ड 111 मिलियन टन की वृद्धि, रेलवे ने बिजली क्षेत्र को कोयले की लोडिंग को प्राथमिकता देने के लिए कई कदम उठाए। चारा उत्पादन को बढ़ावा देगा हिमाचल, हरे चारों की कमी के वजह से दुधारू पशुओं में पोषण की होती है कमी। पांच मौके जब T20 क्रिकेट में गेंदबाजों का रहा दबदबा, लो स्कोर के मामले में आरसीबी है नंबर 1। सचिन की बदमाशियों से तंग आकर माने भेज दिया था क्रिकेट ट्रेडिंग कैंप, सचिन का यह किस्सा बेहद प्यारा और प्रेरणा देने वाला है।
दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान पर मैच का 100% जुर्माना, सहायक कोच पर मैच का प्रतिबंध। मलिंगा जैसे एक्शन वाले 19 साल के इस गेंदबाज को सीएसके टीम में मिली जगह, एडम मिलन हुए बाहर। इंग्लैंड में धूम मचा रहे चेतेश्वर पुजारा ने लगाए अपनी टीम सक्सेस के लिए लगातार दूसरा शतक। नो बॉल विवाद में कोच प्रवीण आमरे पर लगा एक मैच का बैन, कप्तान और ऋषभ पंत को मिली बड़ी सजा। चेतेश्वर पुजारा ने आलोचकों को दिया मुंह तोड़ जवाब, दोहरे शतक के बाद ठोका एक और शतक। सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट को भगवान बनने में खिलाड़ी नवजोत सिंह सिद्धू की चोट और पूर्व कप्तान के जिद की बड़ी भूमिका, 49 साल के हो गए हैं सचिन तेंदुलकर। सौरभ गांगुली ने दी आईपीएल नॉकआउट के लेकर खुशखबरी, 100% दर्शकों को मिली अनुमति। अपनी ही टीम के सहायक कोच और कप्तान पर भड़के शेन वॉटसन, कहा कोई मैदान पर मैच में दौड़ जाए बर्दाश्त नहीं होगा। मुंबई में विक्रम वेधा का लुक हुआ रिलीज, अलग अंदाज में नजर आए ऋतिक रोशन। बॉडी शेमिंग पर बोली जर्सी एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर, कहा लोग मुझे मटका कहकर बुलाते हैं और ये ट्रोल मुझे प्रभावित नहीं करता। हजारों करोड़ों कमाने वाली फिल्म आरआर के निर्देशक एसएस राजामौली ने खरीदी 45 लाख की कार। शाहरुख खान का बंगला मन्नत, सोशल मीडिया पर कर रहा है ट्रेंड, इमोशनल हो रहे फैंस। आयुष्मान खुराना मिशन अनेक के लिए है पूरी तरह तैयार, अंडरकवर एजेंट बन इस दिन थिएटर्स पर बोलेंगे धावा। कश्मीर फाइल्स की आलोचना करने पर शरद पवार पर भड़के विवेक अग्निहोत्री, गुस्से में कहा सबसे भ्रष्ट और पाखंडी नेता। मुंबई में अनिल कपूर, करण जौहर और कियारा आडवाणी समेत इन सेलेब्स ने दी वरुण धवन को बर्थडे की शुभकामनाएं। मुंबई में दिव्या भारती के सामने फूट फूट कर रोने लगे थे वरुण धवन, एक्ट्रेस ने कराया था चुप। मुंबई में रणवीर सिंह ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को लेकर किया खुलासा, कहा ये फील गुड फैमिली एंटरटेनर है। मुंबई में सिद्धार्थ मल्होत्रा के बाद रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में हुई शिल्पा शेट्टी की भर्ती, फुल एक्शन मोड में आई नजर। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो